Today, the Bible says in Isaiah 9:6. यशया 9:6 में बाइबल जो है आज के दिन हमें यह बता रही है. A child will be born unto you. कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा. And he will be called wonderful. और उसका नाम अद्भुत कहा जाएगा. He will be called the counselor because he guides us. और उसे युक्ति देने वाला कहा जाएगा क्योंकि वह तो हमारी अगुवाई करेगा. He will be called a mighty God because he does miracles for us. और उसका नाम सामर्थ्य परमेश्वर कहा जाएगा क्योंकि वह हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता है. He will be called an everlasting Father because he comforts us. और उसे सदाकाल का पिता कहा जाएगा क्योंकि वह हमें ढाढ़स देता है. He will be called the Prince of Peace because he gives us peace that passeth all understanding. और उसे शांति का राजकुमार कहा जाएगा क्योंकि वह जो शांति देता वह सारी समझ से परे है. Yes, Jesus works in all these ways. हाँ, यीशु इन सारे तरीकों से कार्य करते हैं. But tonight he told me. लेकिन आज की रात उसने मुझसे कहा. That he is coming to this ground as the King of Kings and the Lord of Lords. कि आज की रात वो इस मैदान में राजाओं के राजा और प्रभु के रूप में आ रहा है. With all his majesty. अपनी सारी महिमा के साथ. If the King is coming to stay with you, what do you have to fear about? जब राजा स्वयं आपके साथ हो तो आपको किस चीज से भय खाने की आवश्यकता है, कहिए. Tell me, my young friend, what do you have to fear about? मेरे जवान मित्रों बताइए कि आपको किस चीज का भय रहेगा? Jesus told me that he is coming as a king into your life. यीशु ने मुझसे कहा कि वह आपके जीवन में एक राजा के रूप में आ रहा है. The Bible says in Acts 2:33. प्रेरितों के काम 2 और उसके वचन 23 में हम पाते हैं बाइबल हमें ये कहती है. That Jesus is exalted as the King of Kings. यीशु जो थे राजाओं के राजा के रूप में ऊपर उठाए गए. We read that he sits on the right hand on the throne of God, exalted. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पूरी महिमा के साथ बैठाए गए हैं. 1 Peter 2:9 he calls us his royal priesthood. पहला पत्रस 5:9 में वो हम में से हर एक को अपने लिए एक राजपदधारी याजक कहते हैं. Today you will be God's royalty. आज आप परमेश्वर के लिए राजकीय पुरुष बन जाएंगे. So what do you need today to receive this king? तो इस राजा को प्राप्त करने के लिए या ग्रहण करने के लिए आपको क्या चाहिए? There are a few things. कुछ एक बातें हैं जिन्हें आपको जानना है. Firstly, सबसे पहली बात, suffering brings the king of kings in our hearts. दुख उठाना हमारे हृदयों में उस राजाओं के राजा को ले आता है. Going through the path of suffering. जब आप ऐसे दुख और तकलीफ की राह से गुजरते हैं. Going through the path of hurt. जब आप चोट और दुख और पीड़ा की राह से गुजरते हैं. That is a qualification to receive the king. इस राजा को स्वीकार करने या पाने के लिए यह एक अहर्ता है. All of us go through trials and temptations in this world. हम में से हर एक जो है संसार में नाना प्रकार की परीक्षाओं और बाधाओं से गुजरते हैं. All of us go through difficulties in this world. इस संसार में हम नाना प्रकार के सताव और कठिनाई से गुजरते हैं. Because this world is ruled by the prince called Lucifer. क्योंकि यह जो संसार है वह तो उस राजकुमार के द्वारा जिसका नाम लूसीफर है शासित किया जा रहा है. He brings darkness into the hearts of people. लोगों के हृदय में वो अंधकार ले आता है. But be of good cheer. लेकिन आप जो है वो खुश होइए. Jesus defeated the devil on the cross. यीशु ने क्रूस के ऊपर में उस शैतान को हरा डाला है. And whoever follows and accepts Jesus. और जो कोई भी यीशु के पीछे चलता और उसे स्वीकारता है. Receives his life. वह उसके जीवन को प्राप्त करता है. That he gave on the cross. जो उसने क्रूस के ऊपर दे दिया. And they are saved. और वे जो है भार पाते हैं. Jesus will never let the devil touch you. यीशु कभी भी मौका नहीं देंगे कि शैतान आपको छू ले. He'll be a wall of fire around you. आपके चहुओं वो मानो एक आग की सुरक्षा की दीवार की तरह बन जाएंगे. Right now, इसी समय, God is moved with compassion for each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक के लिए तरस से भरे हुए हैं. He wants to show you His power and His love by ending your suffering today. आज आपके दुखों को खत्म करने के द्वारा अपनी सामर्थ और अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाना चाहता है. You who have endured suffering for Jesus' sake, patiently and trusted in Him. आप में से जिन लोगों ने बड़े धीरज के साथ उस पर भरोसा रखते हुए यीशु के लिए दुख और कष्ट उठाए हैं प्रियो. God is saying it's enough that my children are suffering. परमेश्वर ये कह रहा है
पर्याप्त हुआ जितना मेरे संतानों ने सहा है। Transform their nature, Lord. ओ प्रभु जी, आप उनके स्वभाव को पूरी तरह से बदल दें। Wipe away every greed from them. और उनके अंदर से हर एक प्रकार के दुख को दूर करें। Take away every desire of the flesh. शरीर की हर एक अभिलाषा को प्रभु जी आप उनके जीवन से दूर कर दें। Take away every evil habit. हर एक बुरी आदत को प्रभु जी आप दूर कर दें। God has done great things to us today. आज परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए। Just to encourage us. ताकि वो हमें जो है ढाढ़स बांधे। And just to say that He is in control of our life. और हमें ये बताएं कि वो हमारे जीवन का नियंत्रण कर रहे हैं। He will lead us. वो हमारी अगुवाई करेंगे। With His power. अपनी सामर्थ्य के द्वारा। With His love. अपने प्रेम से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं।